मना करता था, बोल दिया मत इनको इतना रगड़ा लगाओ, मत इनको इतना रंदा फेरो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बोलना था मनहूस मारो, नाराज कर दिया ना शाहीन भाई को। है शाहीन भाई कहते हैं कि कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है हम, सुन रहे हो तुम सारे, शाहीन भाई कह रहे हैं, मैं नहीं, शाहीन भाई कह रहे हैं कि गली मोहल्ले की टीम नहीं है हम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, सपोर्ट करो हमें। अब जब मैंने शाहीन भाई का ये स्टेटमेंट पढ़ा ना कि गली मोहल्ले की टीम नहीं है हम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, आई वॉज लाइक, शाहीन भाई टीम, सीरियसली आपने टीम का वर्ड यूज किया? शाहीन भाई टीम होती है टीम इंडिया जैसी, टीम होती है टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी, टीम होती है टीम युगांडा जैसी, टीम यूएस जैसी। आपका तो वो वाला हिसाब है 72 सीटों वाली बस में दो बंदों को बिठाओ, एक को ड्राइवर के साथ, एक को बिल्कुल पिछली सीट के ऊपर, उनके बीच में इतनी दूरी नहीं होगी जितनी आपकी टीम में है इस टाइम, लड़कों के बीच में, अंधे नहीं हैं हम। एक ट्रेन का इंजन होता है ना ट्रेन वाला, वो घसीट रहा हूँ ना 10 बोगियाँ, एक बंदे को बिठाओ पहली बोगी में, दूसरे को बिठाओ 10वीं आखिरी बोगी में, उनके भी बीच में इतनी दूरी नहीं होगी जितनी दूरी एक ग्राउंड के अंदर हमें आप लोगों के बीच में नज़र आ रही है। अंधे नहीं हैं हम शाहीन भाई। और आप कहते हैं सपोर्ट करो, शाहीन भाई 3 मैचेस में 2 विकेटें आपने ली हैं, उसको सपोर्ट करें, फुलटा से मार रहे हैं आप, नई गेंद से भी फुलटा से मार रहे हैं, पुरानी गेंद से भी फुलटा से मार रहे हैं, फुलटा से इसको सपोर्ट करें शाहीन भाई। हैं वो डर मूवी में शाहरुख खान ने यहाँ लिखवाया था ना, किरण मैं आप कहते हैं ये सपोर्ट में आपके लिखवा लेता हूँ शाहीन, हैं या सीने पे लिखवा लूँ कि शाहीन, वो टैटू बनवा लेता हूँ सीने के ऊपर, हैं शाहीन मेरी ज़िंदगी है और लानत ऐसी ज़िंदगी के ऊपर। ओहो नहीं, ये तो एक्स के बारे में लिखवाना था, आपका सिर्फ इतना लिखवा लूँ शाहीन मेरी ज़िंदगी है, ये सपोर्ट दे दूँ आपको, नहीं क्या सपोर्ट करूँ मैं आपको, कमर आपकी बेंड नहीं हो पा रही, बॉल आपका सही जगह का पड़ नहीं रहा, इन स्विंग आपसे हो नहीं रहा है, और एक वो फजले हक फारूकी और अर्शदीप हैं, वो ऐसे लगता है मुंह से बोलते हैं गेंद को कि अभी देखो जाने मन तुम्हें मैं यहाँ फेंकूंगा, तुमने यहाँ से कर्व होकर अंदर आना है, और बॉल उनकी ऐसे लगता है कि जैसे भाई साहब बॉल को आखिरी उम्र में शादी हो गई, बॉल उस टाइप की बीवी का काम कर रही है कि जानू जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी, आप बस आप मेरे से खुश रहें राजी रहें, ये चल रहा है वहां पर। फजले अक फारूकी की इनस्विंग देखी है, अर्शदीप की देखी है, उनके यॉर्कर्स देखे हैं, उनके स्लोअर वंस देखे हैं, आप क्या कर रहे हैं सर बॉलिंग में? अरे यार शाहीन भाई बहुत सपोर्ट किया है, बस कर दें सपोर्ट कर कर, इतना सपोर्ट तो यकीन करें हमारे कच्चे हमें नहीं करते मर्दों के, इतना सपोर्ट जितना हमने आपको किया, हमारे करण अर्जुन लटक के पड़े हुए हैं, लेकिन अब क्या ही उस लेवल पर जाकर बंदा बात करे, रहने दें जाने दें सर, जितना सपोर्ट आपको किया है मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सपोर्ट तो हम लोग और बूढ़ी उम्र में अपने माँ बाप को नहीं करते जितना हमने आपको किया, हर आपका सच झूठ माना, हर चीज़ आपकी मान ली, लेकिन ये कोई तरीका है? वर्ल्ड T20 में आप एंटर हुए हैं, USA से आप हार गए, जो कि एक रीजनेबल विकेट के ऊपर मैच हुआ था, आप वहाँ पर 150-60 करते हैं US के अगेंस्ट, और उसके बाद आप करके हार जाते हैं, और हारते भी आप इतने भोंडे तरीके से हैं कि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप हारे कैसे हैं। वो मैच आपको याद है? अब उस मैच में आपको क्या सपोर्ट करूं सर, आप हारिस रऊफ का आखिरी ओवर उठाकर देख लें, आपका ही वो फ्रेंचाइज मेट भी है, टीम मेट भी है, कोई उसको समझा ही देते कि भैया बस कर दे फुल टॉसे करना, वो फुल टॉसों पे फुल टॉसे मार रहा है, कोई पता नहीं ना वो किसी की सुन रहा है ना कोई उसको बता रहा है, अच्छा इस चीज़ को सपोर्ट करें। उसके बाद आप इंडिया से जो मैच हारे हैं 6 रन से, 120 नहीं हुआ आपसे, जितनी मर्जी टफ विकेट हो सर, फुद्दू नहीं है, पिच के बारे में पढ़ के बैठे हुए थे, स्टार्ट में आपको डैम्पनेस ने आपको जिसे कहते हैं फ़ायदा दिया उस मैच में, पिच की कंडीशन ने आपको फ़ायदा दिया, वेदर की कंडीशन ने आपको फ़ायदा दिया, आपने इंडिया को 119 पर पकड़ लिया सर। सेकंड इनिंग में धूप निकल आई, धूप ने आपको एज दिया, डैम्पनेस गायब हो गई बैटिंग में, आपके पास एज आया, ठीक है कदरे बेहतर हो गई वो बैटिंग के लिए विकेट, आपके पास एज आया, 40 में से 35 ओवर आप डोमिनेट कर रहे थे, आपके पास एज था, 5 ओवरों में आपने सर घोड़े लगवा दिए पूरे के पूरे मैच के, क्या सपोर्ट करें शाहीन भाई बताओ ज़रा इसमें। उसमें फिर मैंने तो सरकार वो खूबसूरत चेहरों को दिल खोल के सपोर्ट किया, मैंने कहा ये आपको सपोर्ट जो करनी थी ना, मैं तो अपने मुंह से बोल रहा हूं, मैंने सारी सपोर्ट दे दी उन खूबसूरत चेहरों को जो स्टैंड्स में बैठे हुए थे, अब पकड़ लो मुझे, मैं क्या करता, 5 ओवरों में आप मैच हार गए पूरे का पूरा, क्या सपोर्ट करता मैं बताओ जरा मुझे, हैं
अच्छा, उसके बाद अभी आप आगे देखें कि आप बात कर रहे हैं कि यार गली मोहल्ले की टीम नहीं है। अरे गली मोहल्ले की टीम ज्यादा बेहतर खेल लेती शाहीन भाई, जाने दें, गली मोहल्ले की टीम आपसे ज्यादा बेहतर खेल लेती। मैं डोमेस्टिक में से 11 लड़के ले जाता ना कोई उठाकर, जिनकी टॉप परफॉर्मेंसेज होती हैं, बॉलर्स, बैटर्स, ऑलराउंडर्स, वो कम से कम यूएसए से जरूर जीत जाते हैं। और यूएस वाले कभी क्वालिफाई नहीं कर सके थे, आप उनसे हार गए, आप कहते हैं हमें सपोर्ट करें। सर आप मुझे कह रहे हैं सपोर्ट करें, आप अपने कप्तान को सपोर्ट कर लेना। आपका कप्तान रिव्यू में अपनी तरफ इशारा करता है, अन्नी दियो मैं इत्थे हां, कप्तान मैं हूं, हेलो कप्तान इज हेयर, मैं रिव्यू का करूंगा, मुझसे भी कुछ पूछ लो। टीवी पे हमने खुद देखा सर, कैमरा लगा हुआ था बाबर आजम के ऊपर, वो इशारे कर रहा है रिव्यू में, भैया मुझसे तो पूछ लो, गरीब से कप्तान हूं मैं, बेशक पेपर के ऊपर ही सही लेकिन कुछ तो इज्जत दे दो। जो अब टीम अपने कप्तान को इज्जत ना दे, सपोर्ट ना दे, वो उसका नहीं कहना बनता फैंस को कि भैया हमें सपोर्ट करें ना। सर साफ नजर आ रहा है आपकी टीम में क्या चल रहा है। आपकी टीम में इस टाइम पे जो ग्रुपिंग हुई भी है उससे रिलेटेड अब लोग नाम लेकर बात कर रहे हैं। पहले तो लोग कहते थे ना कि ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है, सर अब नाम ले रहे हैं। और नाम आपको पता है किसका आ रहा है शाहीन भाई, तो जाने दें फिर। सर कितना सपोर्ट किया आपको, आपके बारे में, आपसे रिलेटेड ही मैंने आपकी इतनी तारीफें की हैं, जब स्पेशली ये न्यूजीलैंड की सीरीज से, जो होम सीरीज है उससे ऑनवर्ड्स आप अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो गए थे, वर्ल्ड T20 में जाके फिर धुड़ुल हो गए आप। आपसे हमें विकटें चाहिए, इकोनॉमी तो आपकी 6.9 बन की है, वो तो ज़बरदस्त है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन विकटें भी तो डिलीवर करें। 2 विकेट्स हैं सर आपकी, नए गेंद से आपसे फुल टॉसेज हुई हैं, नए गेंद से, मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे सपोर्ट कर लूँ, फुल टॉसेज को सपोर्ट करूँ मैं नए गेंद से जो हो रही हैं। ना बैटिंग हमारी चल रही है, ना हमारी बॉलिंग चल रही है, फील्डिंग में हमारे हालात ख़राब हैं। आप कहते हैं रिकमेंडेशंस पर टीम नहीं बनी, सर मैं आपको कंफर्म कहता हूँ ये रिकमेंडेशंस पर टीम बनी है। रिकमेंडेशंस पर टीम नहीं बनी तो फील्डिंग ऑलराउंडर शादाब खान टीम में क्या कर रहा है, बताए ना ज़रा। रिकमेंडेशंस के ऊपर अगर टीम नहीं बनी तो ये जो बाकी जो लड़के बाहर आपने बिठा कर रखे हैं, ये अभी तक खेले क्यों नहीं है। देर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, ये बात ना करें रिकमेंडेशंस पर टीम नहीं बनी। 15 लड़के गए हुए हैं, 17-18 मैनेजमेंट के लोग गए हुए हैं, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि रिकमेंडेशंस पे टीम नहीं बनी। फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर चल रहा है, ये तो सारी दुनिया कह रही है। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो आप 5-7 हैं, आपके अलावा पाकिस्तान में कोई और अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो क्यों नहीं आता? अली किधर है, उसामा किधर है, टॉप परफॉर्मर्स है ना, आपने PSL की बेस के ऊपर उठाए थे लड़के, अबरार की समझ आ जाती है, अब्बास की समझ आ जाती है, उसकी बाकी जिसे कहते हैं अली किधर है, उसामा किधर है, उनको क्यों नहीं रखा आपने? सर मान लेना, एक तो रिकमेंडेशंस के ऊपर आपने टीम बनाई है पहली चीज, दूसरा आपने बेसिकली खुद चीज को खराब किया है ये करके कि हमें सपोर्ट करें। क्या सपोर्ट करें सर, कर दी थी ना जितनी सपोर्ट, अब और अब फैंस का गुस्सा तो अब आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस तगड़ी देते तो फैंस आपको सपोर्ट करते, आपने अच्छा पीछे खेला होता और वर्ल्ड T20 आपका खराब चला जाता, फैंस आपको सपोर्ट करते कि चलो कोई बात नहीं, पीछे तो अच्छा खेल कर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड की C-D, E-क्लास की टीम से आपने सीरीज बराबर की, होम सीरीज, इनफैक्ट आप ही की विकटें थी जिनकी वजह से बच गए, वरना तो वो सीरीज ही हाथ से ले गए थे। आयरलैंड के अगेंस्ट आप मसा मार के जीते, आपके सामने है वो सीरीज। इंग्लैंड के अगेंस्ट आप हारे, अभी वर्ल्ड T20 में फिर मुंह काला करा लिया। अब बता दो सर किस तरीके से सपोर्ट करें, हम उस तरीके से फिर करने की कोशिश करते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रही किस तरीके से सपोर्ट करें, आपके पास कोई तरीका है तो बता दो, बस ये टोटल कहानी है। बाकी बस चलो चलता हूँ मैं इस वीडियो में, इतना ही। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर फॉलो करना हो तो FAARUSAYS मेरा हैंडल है, आ जाया करो, गपशप वहाँ पर भी लग जाएगी अनसेंसर्ड टाइप की, समझ रहे हो ना विनोद, समझ रहे हो ना। चलो चलते हैं, पीस आउट।